इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए फ्रॉम आई आई टीज एंड आई आई टीज के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and let's get started with this episode जहाँ पे हम MBA IIT से बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले IIT Delhi है right जिसका fees जो है वो 10 lakh के आसपास है whereas average package अगर आप देखेंगे तो so, 22 लाख ,00 है इट इज मोर देन डबल राइट जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टू टाइम से भी ज्यादा का रिटर्न इन्वेस्टमेंट है कट ऑफ की बात करूं तो 98 एट परसेंटाइल इन कैट जितनी भी आई आई टीज है सिर्फ, -सिर्फ कैट के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं एंड यू हैव यूर एग्जामिनेशन ऑन ट्वेंटी राइट एंड अगेन अगर आपका परसेंटाइल कम है एंड यू वॉन्ट टू नो दैट मैं कौन से बी स्कूल को टारगेट कर सकता हूँ

राइट एक्सपोजर काफी अच्छा है राइट और ज्यादातर इंजीनियर्स ही मिलेंगे आपको राइट इन सभी कॉलेजेस में तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं विद दिस मूविंग टू थर्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज आई टी खड़कपुर इन द लिस्ट राइट विद द एवरेज पैकेज ऑफ नाइनटीन लैक एंड द फी स्ट्रक्चर इज इलेवन लैक

तो 10 लाख से 5 लाख से 10-11 लाख के बीच में आपको जितनी भी आई आई है उनकी फीस मिल जाएंगी कट ऑफ जो है वो 95, 96 परसेंटाइल के आसपास है एवरेज पैकेज किसी के 15 भी है किसी के 20 भी है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज और इसी के साथ एक और आई जो कि आई आई टी आई एस एम धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंड के नाम से जाना जाता था देन आई में कन्वर्ट हुआ फीस चार लाख है और एवरेज पैकेज दस लाख है इसके लिए कट ऑफ एटी फाइव दैट मींस जो बच्चे का परसेंटाइल बहुत अच्छे नहीं है कैट में वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं राइट देन वी हैव है कट ऑफ ये हर साल बदलता है एवरेज फीस नौ लाख है तेरह लाख है बट इन क्या केस आप जो एवरेज यू नो कट ऑफ मान सकते हैं वो आप एटी फाइव से नाइनटी परसेंटाइल के बीच में एटी फाइव से नाइन्टी परसेंटाइल के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं Then, कुछ और आई आई है जैसे कि आई आई टी गुवाहाटी है मंडी है जम्मू है आप इनको भी लिस्ट में रख सकते हैं राइट right? सभी की फीस स्ट्रक्चर कम है एवरेज पैकेजेस भी अच्छे हैं एंड आप इनको कैट एग्जामिनेशन की बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं so,